होगी अम्मा, जब तक अब्बा सही सलामत घर पे नहीं आ जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगवा करने वाले पहले छानबीन कर लेते कैसी पार्टी है, माल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने छानबीन की होगी, अरे ये तो हजारों की पार्टी है मामूली। अभी तक अपने बाप का पता नहीं लगा सके, बड़े लड़के थे तुम्हारे पूरे शहर में, क्या हुआ उनका? पहचाना नहीं या पहचान कर परेशान हो गए? मेरा ख्याल है दूसरी वाली बात ठीक है, लेकिन अभी मैं तुम्हें सारी तफसील नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे कुछ छुपाना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि अभी तुम कुछ समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक छोटी सी बात बता देता हूं, जो तुम्हारा पहला सवाल भी होगा, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे बाऊजी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये होश में आया था, ये पानी मांग रहा था बूढ़ा। अभी तो ये मुझे देखकर हैरानी में सो गया है, लेकिन ख्याल रहे ये होश में नहीं आना चाहिए, वरना अगर ये बूढ़ा अपनी बीवी की तरह निकला तो शोर मचा मचा कर पूरे शहर को बता देगा। ठीक है, आखिर क्यों? चले परेशान ना हो तो फिर सुने, सलीम ऐसा क्यों? सुना, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? और एक आखिरी बात, मैं तुम्हारे बेटे यानी बाऊजी को नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम?
वसीला, सब सही हो जाएगा, बस तुम अल्लाह से दुआ करो। सब कुछ बिगड़ता क्यों है कि उसके ठीक होने के लिए दुआएं करनी पड़े? सब कुछ ठीक क्यों नहीं रहता बाजी? आप लोग तय तल्ले बाल बैठते कुछ पता चला दिलबर दादा का? मुझे क्या पता चलेगा, मैं पुलिस तुम तो मुझे पता चलेगा। अरे भाई तुम बाहर से आ रहे हो इसलिए पूछ रहे हैं कि शायद कोई बात आता वो बाल। हाँ वो बाल जो है ना वो थाले ही बातें तल रहे हैं तले त्या हो दिया भाई दी बाउदी ना बातें फिर रहे बिता ले अतीना एक बात तो तनपा में वो बंदा जितने भी अदवा है ना वो अदल बाउदी लद दिया ना बाउदी दलदन तोल दे। हाँ होना भी यही चाहिए, देखो ना सब लोगों का कितना बुरा हाल हुआ हुआ है, मरेगा वो। दिलबर तुम ये बताओ कि तुम उस वक्त कहाँ से आ रहे थे? मैं तितवत नहीं, जिस वक्त दादा को अगवा किया है तुमने देखा था ना? हाँ तो ये दे दो, ये तो दादा अगवा हुए हैं, इन्हें दादू दी थी बली अभी भी। भाई ये पूछे तो गाड़ी से कितनी दूर था? अबे दाली ते इत्ता नहीं नहीं, अरे यार मेरे ख्याल में तुझे पता ताली इतना फातला होता, मैं दूर तलावा था सामने देता मैंने बात। गाड़ी का नंबर शंबर तो देखा होगा ना? नंबर तो नहीं, हाँ देता था लेकिन नजर भूल दिया मैं वो। याद भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाजी, ऐसे कामों के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती है ना या तो वो चोरी की होती है या उनकी नंबर प्लेट ही नकली होती है। समझ नहीं आ रहा दादा पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। भाई बेचारी गुलाम क्या हो रहा होगा उनके साथ? मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने, मगरिब दुआ कर। आप भी जाए ना नमाज पढ़ते दुआ तले। अच्छा इधर आना तू, किस तरह उठाया उन्हें, क्या हुआ मुझे बता। मैं आप तो ऐतन तलते देता हूँ तो डालू डाली में, वो भाई उन्होंने धन दिखाई उन्हें बैद गाली में, वो बैद भी डाले डाली में। हाँ तो और क्या करते बेचारे, कमजोर से तो है वो। हाँ मैं भी तो नहीं दलता था ना, अब तो बात है मैं बहुत दूलता वरना तो मैं, आप तो पता ही है। तू क्या कर लेता? तू इतनी थोल मताते बुला तो लेता दीदी तो। हाँ ये हो है ना। बस कर देगा, कितना रोएंगे आप? क्या वक्त आ गया, कोई भी किसी जगह भी महफूज नहीं है। अब बताओ भला हमारी गली में हमारे घर के सामने ऐसा हो गया? बिल्कुल, अब इंसान कहां कहां अपने बचाव की तदबीरें करता फिरे, कोई दुश्मनी हो तो बात भी है। अब्बा बेचारे तो किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे। ऐसे माहौल की वजह से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, क्यों ऐसे लोगों को पकड़ के सजा नहीं दी जाती ताकि लोग देखें और कोई ऐसी गलती दोबारा ना करें? इस वक्त तो हमें सिर्फ दादा जान के बारे में सोचना है कि वो साथ खैरियत के घर वापस आ जाए। ये समझ नहीं आता ये हो कौन सकता है, किसी को पता हो ना हो लेकिन मुझे यकीन है कि बाबूजी को जरूर पता होगा, वो जरूर जानते होंगे। बाबूजी भी बेचारे यही सोच रहे हैं कि पता नहीं ऐसी क्या बात हुई है जिसकी वजह से ये दुश्मनी ना हो गई हो, सब परेशान है इस वजह से। बात कल से अब तक की नहीं है, उन्हें तो धमकियों वाले फोन बहुत दिनों से आ रहे थे। क्या लेकिन ये बात तो अभी पता चल रही है। अब हर बात का ढंडोरा पीटना तो मुनासिब नहीं होता ना संगीता जी। अरे भाई इंसान अपनी परेशानी अपनों को नहीं बताएगा तो किसे बताएगा, वैसे फोन क्या आ रहे थे? उन्होंने कभी तफसील तो नहीं बताई लेकिन चांद को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी जाती थी फोन पर, इसीलिए तो उन्होंने चांद का अकेले बिला वजह बाहर निकलना बंद कर दिया था। अब इस तरह अचानक अब्बा को अगवा कर लिया जाएगा, ये तो हमें से किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इसका मतलब है कि वो जो कोई भी है बहुत चालाक इंसान है। चांद की तरफ तवज्जो कर भाई और दादा जान को अगवा करवा दिया, बहुत चालाक हो या बेवकूफ बस एक बार बाबूजी के हत्थे लग जाए ना तो सारी चालाकी समझ में आ जाएगी। वो शायद कहीं गए अम्मा, अभी आ जाएंगे। शायद अपने अब्बा को साथ लेकर ही।
हन्ना फिकर मत करें, दादा आ जाएंगे। बाबूजी है ना, बाबूजी लेके आएंगे दादा को, और बाबूजी के साथ भाई जी भी जाएंगे दादा को लेने। और जिस किसी ने भी ये हरकत की है ना, देखेगा वो बचेगा नहीं, वो बचेगा नहीं बाबूजी से। हे भैया, मैं किसी का बुरा नहीं चाहिए, बस तेरे दादा साहब खैरियत के वापस आ रहे। अम्मा, हम सब तो यहाँ एक साथ हैं, लेकिन वहाँ हसीना बेचारी बहुत परेशान हो रही होगी, मैं उससे मिलने चली जाऊँ? उस बदनसीब ने भी तो अपने आप को अकेला कर लिया। जाओ जा, तुम लोग जाओ से मिलकर आओ। जाओ, मैं भी चलूंगी साथ। चलो। ते दादा तो ना तिथि ने अदवा तर लिया है, और वो भी मेरी आंखों ते थामने उठाया है। दादा को हसीना को कर लेते तो जान छुट जाती। अब्बा, बाबूजी का कोई भी मसला होता है ना, वो मेरा अपना मसला होता है, पर ऐसे वक्त में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता।